नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा में भर्तियों को लेकर हाल ही में जो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अखबार की जो आई कटिंग है और ये आप देख सकते हैं, ग्रुप सी और डी के पदों पर बंपर भर्ती की तैयारी, HSC के पास पहुँची 25,000 की डिमांड। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों से एक बार हरियाणा राज्य स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ग्रुप सी और डी खाली पदों की डिमांड जल्द से जल्द भरने का आदेश हुआ है। अर्थात भर्तियों का इंतजार और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस बीच कमीशन CET परीक्षा कराने की तैयारी में है, जिसको लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद आला अफसरों की बैठक में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दे चुके हैं। अब जल्द से जल्द राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों सभी को उनके यहां पर ग्रुप सी और डी के खाली पदों के हिसाब से डिमांड भेजनी होगी, जिसके बाद ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से खाली पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और कुल मिलाकर अब स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर उनके यहाँ पर ग्रुप सी और डी के जो डिमांड है ये भेज दें। और इस बीच काफ़ी लंबे वक्त से ये जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है CET, इसका युवा जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि लिपिकीय वर्ग अर्थात ग्रुप सी के लगभग 25,000 पदों की जानकारी आयोग के पास अभी तक आ चुकी है और पूर्व में ग्रुप डी की भर्ती में भी काफ़ी संख्या में युवाओं द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में भर्ती होने वाले युवाओं ने सामाजिक आर्थिक आधार पर गलत नंबर हासिल कर नौकरी प्राप्त की है। इस तरह के युवाओं को लेकर भी शिकायतें कमीशन में लगातार भेजी जा रही हैं और इस क्रम में काफ़ी संख्या में युवा मंत्री अफसरों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसेंगे खतरी। तो वैसे सुबह में भर्ती की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा कर भर्ती होने का रास्ता खोजने वालों ने भर्ती प्रक्रिया में बाधा पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, आयोग के वर्तमान चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने अपने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया है कि वह अपने स्तर पर दूसरों को बैठाने वाले सीटर किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए फर्जीवाड़ा करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती होने की शर्त में ही बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि विभिन्न विभागों में उनके बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस चेतावनी के बाद लिपिक के पदों को लेकर चल रहे दस्तावेज आदि सत्यापन के काम में काफ़ी संख्या में युवाओं नहीं पूछ रहे हैं और कमीशन की ओर से अभी तक 7 से 8 हज़ार युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। तो 7 से 8 जो युवा हैं उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और सामाजिक आर्थिक आधार पर नंबर लेने और फर्जीवाड़ा कर भर्ती होने की तैयारी वाले युवाओं पर ब्रेक लगा चुका है। इस तरह से कमीशन के जो चेयरमैन हैं ये बताते हैं कि 50% से कुछ ज़्यादा युवा आ रहे हैं और इसके पीछे आयोग का शिकंजा और बायोमेट्रिक आदि पड़ताल तुरंत ही कार्रवाई के डर से युवा नहीं आ रहे हैं। तो जो यहाँ पर फर्जी तरीके से लगे हैं उन्हें इसका डर हो रहा है। तो फिलहाल जो यहाँ पर अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है कि जल्द ही यहाँ पर ये भर्ती होने की संभावना है। CET जैसे होगा उसके बाद तुरंत जो है ग्रुप सी और डी की नौकरियां हरियाणा में आएंगी। तो ये तो यहाँ पर हमारी पहले महत्वपूर्ण अपडेट थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट आई है उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अगस्त से शुरू होगी सेना में जवानों की भर्ती। सेना में लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई जवानों की भर्ती प्रक्रिया की अगस्त से शुरुआत हो सकती है और केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लगाई गई पाबंदियों की वजह से इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी इस बाबत सेना ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि उसके द्वारा तैयार की गई हुटर ऑफ ड्यूटी नीति यानी छोटी अवधि की सेवा को भी अंतिम रूप देने के अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई तमाम रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सेना द्वारा पूरे देश में अगस्त से दिसंबर तक जवानों की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा और रक्षा सूत्रों से हरी भूमि को ये जानकारी मिली है कि गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त से देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं के द्वारा सेना में बंद पड़ी हुई जवानों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कड़ा आक्रोश जताते हुए कई विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। तो यहाँ पर भी यह अच्छी अपडेट हो सकती है कि जल्द ही यहाँ पर
जो ये सेना जो है इसमें भी भर्ती होने की संभावना है। तो ये जो हाल ही में दो महत्वपूर्ण अपडेटें सामने आई हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बाकी महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।